हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी मसालेदार पनीर पॉपकॉर्न का रेसिपी। क्विक एंड इजी है और साथ में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर को हम पीसेस में कट कर लेंगे। वैसे ना केंद्र के पनीर से ये जो बाजार में मिलता है पनीर का पीसे, इससे ही ये रेसिपी बढ़िया से बनता है। तो चलिए अभी पनीर को कट करके फिर मैरिनेट कर लेते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। पनीर को मसालेदार बनाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। आप चाहे तो नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हो 1 टेबलस्पून, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने विनीगर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और इसके साथ 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। अभी सोया सॉस मैं ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और ये प्योर वेज रेसिपी है, आप चाहे तो इस प्रोसेस में आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसके बदले गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। पिज़्ज़ा सीजनिंग मुझे ऐड करना है क्योंकि इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए आप पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर सकते हो। और इसके साथ मैंने दही ज़्यादा नहीं 2 टीस्पून ऐड किया है। और लास्ट में जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है कोरिएंडर लीव्स और जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। पहले तो 1/2 टीस्पून ऐड किया और फिर बाद में मैंने और 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, यानी कि 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। अभी पनीर को आपको ऐसे ही मिक्स करके रख देना है। मसाला पनीर हमारा रेडी है। आप चाहे तो मसाला ऐसे ऐड करके आप 15 मिनट तक पनीर को रख सकते हो। और आपके पास टाइम कम है तो मेरी तरह ऐसे ही आप मसाला मिक्स करके फिर बैटर रेडी कर सकते हो और इसके बाद कोटिंग करके आप फ्राई कर सकते हो। चलिए अभी बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आपको 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है। तो ये पनीर के क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है, पनीर का क्वांटिटी कितना है और इसके ऊपर आपको मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके साथ 2 टीस्पून मैंने मैदा ऐड किया है, नमक मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। मिक्स हाफ आप ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आपको एक घोल बना लेना है और बैटर ना आपको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा। बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा, कोटिंग अच्छे से नहीं होगा और पॉपकॉर्न आपका क्रिस्प नहीं बनेगा, तो इसीलिए बैटर का कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए। चलिए अभी क्रम्स की तैयारी कर लेते हैं। आप बिस्किट क्रम्स भी ले सकते हो और ब्रेड क्रम्स भी, और मेरी तरह कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स भी ले सकते हो। और गाइस, मैंने ना यहाँ पे बिस्किट्स ऐड किया है, ये मीठा यानी कि मिल्क बिस्किट्स मैंने ऐड किया है, इससे थोड़ा सा मीठा लगेगा। वैसे भी बाद में मैं शुगर ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए अभी जो बैटर है इसमें डिप कर लेती हूँ पनीर और फिर कोटिंग कर लेती हूँ। आप ज़्यादा क्रिस्प खाना पसंद करते हो तो आपको ये जो क्यूब्स है इसे डबल कोटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो आपको बैटर में डिप करना है पनीर क्यूब्स को और फिर जो क्रम्स है इसमें आपको कोटिंग कर लेना है। फिर से आपको बैटर में डिप करके आपको फिर से कोटिंग कर लेना है, ऐसे ही डबल कोटिंग आप कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं सारे जो पनीर क्यूब्स है इसे मैं कोटिंग कर लूँगी। और इसके बाद ना आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, पर स्टोर करने की बात मैं नहीं कहती हूँ, 2-3 दिन तक ठीक है, पर 1 हफ्ते तक आप स्टोर करके रखोगे और फिर फ्राई करके खाओगे तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी आजकल क्या से क्या हो जाता है, तो आप वैसे स्टोर करके मत खाना गाइस। वैसे भी ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है, कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। चलिए अभी सारे जो क्यूब्स है इसे रेडी कर लेते हैं। इसके बाद फ्राई करने की बारी है। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल से शैलो फ्राई करके भी इंजॉय कर सकते हो। देखिए मैंने ऑयल को चेक कर लिया है, ऑयल गर्म हो गया है, धुएँदार गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में आपको उलट पलट के हल्का गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। और आप धुएँदार गर्म तेल में फ्राई कर लोगे तो क्या होगा, बाहर से क्रिस्प नहीं बनेगा। और वैसे भी ना ये खाने में बाहर से क्रिस्प और अंदर जूसी रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो मीडियम फ्लेम में आप फ्राई करना। और इसके बाद ना आपको इसमें एक मसाला ऐड करना है, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न में आपको चाट मसाला ऐड करना है जो मैंने पहले ऐड नहीं किया है। आप इस प्रोसेस में ऐड करोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो देखिए मैंने चाट मसाला लिया है, इसके साथ 1 पिंच है काला नमक और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो जो शुगर पाउडर है आप ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बिस्किट्स, वैसे भी मीठा होता है, मैंने बिस्किट क्रम्स ऐड किया था। और अभी जो मैं सॉस अभी तैयार कर रही हूँ ये है मेयोनीज के साथ, मैंने कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। ये सॉस के साथ आप
सर्व करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। इसमें मेयोनीज है, कोरिएंडर लीव्स है, जो ग्रीन चिली है इसका भी पेस्ट है और जिंजर का भी पेस्ट है। बस आप गर्म गर्म इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्पी मसालेदार पनीर पॉपकॉर्न का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।